कैसे इस एक फोन के साथ सैमसंग मिड रेंज को भी कैप्चर करने की सोच रहा है, एंड क्या ये फोन एक्चुअली में इतना बढ़िया है या फिर तुम्हें इस फोन को अवॉइड करना चाहिए। डिजाइन मतलब बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का यूज किया गया है। ये मेटालिक फ्रेम एंड बॉक्सी डिजाइन काफी सही लग रहा है, एंड मेटल फ्रेम की वजह से ना फोन काफी स्टेडी हो जाता है, एंड इसको देखकर ये फील होता है कि सैमसंग ने डिजाइन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। वेल मैं तुम्हें बता दूं, बैक एंड फ्रंट पे तुम्हें गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिलता है, एंड ये अभी के वक्त का बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन है। अगर हाथ से फोन गिर जाता है तो उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली गिरना वरना ये फोन सहन कर लेगा। अब इस ब्यूटीफुल फ्लैट डिस्प्ले की बात करते हैं। सच में ये डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। 6.6 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया, एंड ये साइज मुझे पर्सनली बहुत ही सही लगता है। हाथ में पूरा फिट बैठता है, जैसे कि तुम देख सकते हो, अच्छा लगता है, यूज कर रहा हूं मैं एक वीडियो चला के दिखाता हूं, इससे तुम्हें वीडियो का अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। हमें ये पता लग गया कि अगर हम यहां पे टैप करते हैं ना, तो फिर कुछ ऐसा सीन हमें देखने को मिलता है। यस, ये है वो। कैसा लगा? और एक सैंपल देख लो, जिससे कि तुम्हें स्पीकर्स के क्वालिटी का भी आइडिया लग जाएगा। सैमसंग ने काफी सारे फ्लैगशिप फीचर्स इस फोन में दिया, जिनमें से एक है IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। पता है तुम इस फीचर को रेगुलरली यूज तो करोगे नहीं, बहुत ही संभाल के रखोगे, बट जब भी तुम इसको यूज करोगे तो फिर ना वो टेंशन खत्म हो जाता है। तुम आराम से पानी के छीटा वीटा लगने पर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को भी नहीं पड़ता। और धूल मिट्टी तो आम सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। इस फोन में बैटरी भी डिसेंट मिल जाता है। इस स्लिम डिजाइन के साथ सैमसंग ने 5000 mAh का बैटरी डाल रखा है। अब ये फोन सैमसंग के दूसरे फोन की तरह नहीं, जहां पर तुम्हें मिलता है 6000 mAh का बहुत ही बड़ा सा बैटरी, बट अगर तुम सॉफ्टवेयर डिस्प्ले एंड प्रोसेसर को कंसीडर करो तो फिर ये बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ तुम्हें प्रोवाइड करेगा। तुम्हें इधर ना 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा, एंड इस फास्ट चार्जिंग के दो पहलू हैं। पता है पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों सैमसंग 100 वॉट 120 वॉट फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड नहीं करता। सो आंसर इज बैटरी हेल्थ। अगर तुम्हें फोन को लंबा यूज करना तो इतना फास्ट चार्जिंग बैटरी हेल्थ को कम कर देता है। और एक तरफ देखो तो फिर 25 वॉट फास्ट चार्जिंग सही है, बट वो क्रेजी 100 वॉट फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगा, वो भी सच है। कहना यही चाहता हूं कि स्लो एंड स्टेडी सही है। ओके, सॉफ्टवेयर की बात करना जरूरी है। सैमसंग ने काफी लंबा रास्ता तय किया है। एक वक्त था जब सैमसंग काफी ज्यादा पीछे था। अब देखो One UI arguably Android का बेस्ट सॉफ्टवेयर है। क्या स्मूथ एंड सही UI है यार, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ। उसी के साथ तुम्हें 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलता है, 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट। अब तुम इस फोन को कितना ही यूज करो, अपडेट्स के मामले में बढ़िया रहेगा, एंड तुम्हें नया एंड्रॉइड फीचर्स मिलता रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस फोन का है इसका कैमरा, जिसके बारे में कुछ देर में बात करूंगा, डोंट वरी। बट उससे पहले तुम्हें इस फोन में मिलता है एक्सिनोस 1480 का प्रोसेसर, और इससे तुम्हें काफी स्टेबल परफॉर्मेंस मिल जाता है। तुम कैजुअल गेमिंग कर पाओगे, और डे टू डे यूसेज तो काफी स्मूदी है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ इसको, ऑफिशियल बॉक्स बहुत ही आसानी से हो जाता है। और हम लोगों ने इसमें BGMI खेल के टेस्ट किया। ऑल्दो ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन तो है नहीं, बट हाँ गेम्स काफी आराम से चला लेता है। अभी कैमरे की बात करें तो पीछे तुम्हें 50+12+5 megapixels का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, एंड ये कैमरा सेटअप काफी केपेबल है। तुम यहाँ पे कुछ सैंपल्स देख सकते हो, कलर्स बहुत ही सही लगा मुझे, और वॉइस की वजह से तो नाइट शॉट्स काफी सही आता है, तुम्हें वीडियो स्टेबिलाइजेशन काफी तगड़ा क्वालिटी का मिलेगा। सो ये है सैमसंग गैलेक्सी A55 के रियर कैमरे का वीडियो फुटेज। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, और काफी स्टेबल है जैसे कि तुम देख सकते हो। और हाँ, माइक इसी फोन से तुम्हें सुनाई दे रहा है, आवाज कैसा है वो भी बताना कमेंट करके। और वाइड में तुम कुछ ऐसा वीडियो शूट कर सकते हो, अगर तुम्हें व्लॉगिंग वगैरह शूट करना है यूट्यूब के लिए तो फिर हाँ बेशक तुम इससे कर सकते हो, बहुत ही सही है, एंड वाइड एंगल भी बढ़िया लग रहा है। वैसे 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इतना सारा मेगापिक्सल होने की वजह से बहुत ही तगड़ा डिटेल्स वाला सेल्फीज निकाल के देता है, तुम देख सकते हो। और यहाँ पे एक वीडियो सैंपल भी देख लो जो कि तुम देख सकते हो, और हाँ पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत ही सही आ रहा है, काफी वाइड है, और डिटेल्स तुम देख सकते हो 32 मेगापिक्सल, बहुत ही सही आ रहा है, अच्छा लगा मुझे। और अगर तुम्हें फुल क्वालिटी में देखना है तो फिर मैंने ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है, तुम चेकआउट कर सकते हो। सो यस, अगर तुम्हारा बजट 40,000 के आसपास है तो फिर तुम इस फोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। अभी मेरे को पता है कि 40,000 में और भी अच्छे खासे ऑप्शंस है, लाइक अलग अलग, बट अगर तुम लॉन्ग टर्म यूसेज की सोच रहे हो और सिक्योरिटी भी प्रायोरिटी है तुम्हारा, तो फिर क्लास वाला फोन लो भाई।
सही है। और सैमसंग यूजर्स को पता होता है सैमसंग यूज करने में कैसा लगता है, मैं खुद यूज करता हूँ। और अगर मिनिमलिज्म चाहिए देन दिस फोन इज फॉर यू, गो फॉर इट भाई। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, परचेस कर लेना। सो कैसा लगा ये रिव्यू वीडियो वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर इस फोन का तुम्हें डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू चाहिए देन डू कमेंट बिलो, मैं ट्राई करूंगा कवर करने की। हाँ जरूर शेयर करना इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जिनका बजट है एक अच्छा खासा फोन खरीदना चाहते हैं, जो कि सिक्योर भी हो, अपडेट्स भी मिलता रहे, तो फिर उनका फायदा हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा मेरा भी थोड़ा। और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। सो गुड बाय।